महिलाओं को ऐसे गुणों वाली लड़के ज्यादा आकर्षित करती हैं। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य को भारत ही नहीं दुनिया के सबसे पहले और सबसे महान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और अर्थशास्त्री माने जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति के अलावा व्यवहारिक जीवन की भी कई बातें बताई जो आज भी समाज के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी पहले थी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बड़ों, बुजुर्गों, बच्चों सभी के लिए कोई ना कोई सीख दी है, जिस पर अमल कर मानव अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदों तक आसानी से पहुंच सकता है। आज हम आपको चाणक्य की उन्हीं गूढ़ बातों में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर अमल कर आप भी कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। लड़कों के मामले में नौकरी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। काम करने के बाद तुरंत घर आना जरूरी है। जब लड़कियों की बात आती है तो पड़ोस के लड़के अक्सर उसी तरफ खींचे चले आते हैं। कुंवारे लड़कों को महिलाओं को आकर्षक लगने के कई कारण हो सकते हैं। प्यार में पड़ने का कोई सही या गलत समय नहीं होता है। प्यार में किसी को भी किसी भी उम्र में पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्यार में है तो वह अक्सर अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल से काम करता है। कठिन परिस्थिति का सामना करने पर सही और गलत के बीच अंतर बताना मुश्किल हो सकता है। इस समय में जब लड़कों से आमतौर पर एक सवाल पूछा जाता है कि उन्हें कौन पसंद है, तो उसका जवाब था कि वह लड़कियों से ज्यादा भाभी और उसकी मौसी को पसंद करता है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़कों और लड़कियों के कई अध्ययनों में भी यह घटना देखी गई है। एक शोध से पता चलता है कि पुरुष अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को तरजीह देते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां पुरुष अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में जानेंगे। शोध से पता चलता है कि अविवाहित लड़कियों की तुलना में विवाहित महिलाएं अधिक भावुक होती हैं और वे लड़कों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझती हैं। शायद यही कारण है कि वे अधिक भावुक होते हैं। इस बात के प्रमाण है कि अविवाहित लड़कियों की तुलना में विवाहित महिलाएं या भाभी अधिक विश्वसनीय और प्यार करने वाली होती हैं। एक कुंवारी लड़की की तुलना में एक भाभी या एक विवाहित महिला अपने अनुभव के कारण लड़कों को खुश करने की अधिक संभावना रखती है। इसी का नतीजा है कि लड़कों की लड़कियों में गहरी दिलचस्पी होती है। कम्युनिकेशन की बात करें तो शादीशुदा महिलाएं भी लड़कों को जल्दी समझ जाती हैं। वह लड़कों की पसंद नापसंद के बारे में बहुत कुछ जानती है और उनके साथ उसी तरह बातचीत करती है। लड़के भाभी या विवाहित महिलाओं के प्रति आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में बाद में तलाक लेने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है और दोनों पक्ष अपेक्षाकृत जल्द ही आगे बढ़ते हैं। वहीं कुंवारी लड़की या लड़का अलग होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और महीनों तक उसमें डूबा रहता है। औरतों को शादी के बाद भी इस कारण पसंद आते हैं। गैर मर्द, आप भी जान लें इसकी वजह। कम बोलना। चाणक्य नीति के मुताबिक जब पत्नियां अपने पति से असंतुष्ट होती हैं तो वो बहुत ही कम बोलती है, वो हर समय शांत रहती है। ऐसे तो औरतें बहुत ही ज्यादा बोलती है। कभी कभी तो पति को बोलना पड़ता है कि अब तो चुप हो जाओ। लेकिन वहीं अगर पत्नियां कम बोलने लगे तो पति को समझना चाहिए कि पत्नी असंतुष्ट हैं। अगर आपको इस तरह के संकेत मिलने लगे तो आप अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उससे अच्छे से बात कीजिए और नाराज होने का कारण जरूर पूछें। अगर आप इस तरह से अपनी पत्नी से बात करते हैं तो आपकी पत्नी जल्द ही मान जाएगी। औरतें हर बात पर क्रोधित होना। एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। पत्नियां अपने पति को कभी भी परेशान नहीं करना चाहती हैं,
लेकिन आपकी पत्नी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो जाए या किसी भी बात पर झगड़ा करने लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपकी किसी बात से असंतुष्ट हैं। अगर आपकी पत्नी आपसे असंतुष्ट है तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि दूरियां ज्यादा ना बढ़े। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। चरित्रहीन महिलाओं की होती है ये पहचान। चाणक्य नीति में चरित्रहीन औरत की पहचान का भी जिक्र किया गया है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा अंगुली उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठे की साथ वाली उंगली अंगूठे से ज्यादा लंबी हो, ऐसी औरतें हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव में बहुत क्रोधित होती हैं। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। ऐसी महिलाओं के चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस औरत का पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती है। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वो औरत पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है, ये सब खराब किस्मत की निशानी है। माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है अपने ससुर के लिए और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वो अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। ऐसी औरत अपने पति के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में ज्यादा बाल होते हैं, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन औरतों के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख का कारण बनती हैं। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। स्लेटी रंग की आंखों वाली औरतें। चाणक्य नीति के अनुसार जिन औरतों की हाथों की नसों की उबर हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं। जिस औरतों की आंखें पीली और डरावना हो, ऐसी महिला के स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है वो बहुत ही उत्तम होती है। चाणक्य नीति में इस बात का भी जिक्र है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है वो औरत अपना ही वंश के विनाश के कारण बन सकती है। जिस औरत के गालों पर डिंपल होता है, ऐसी स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं कहा जाता है। ऐसी स्त्री न चाहते हुए भी दूसरों के आकर्षण का केंद्र बन जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।